हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं सुफियान शेख और हम निकलने लगे हैं हैदराबाद के लिए। बड़े गुनाह करके तो मैंने कहा क्यों ना एक व्लॉग भी हो जाए। भाई खामोश हो जाओ। निकलने लगे हैं हैदराबाद खाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग भी हो जाए फिर साथ में ही। तो अभी जब रास्ते में निकल रहे हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद एक प्लान बना। बहुत मुश्किलों से मैं अभी शक्लें दिखाऊंगा आपकी, कौन इतने रोने होते हैं, इतने रोने सबकी शक्लें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो बात कर रहे हैं आप, अभी हम जा रहे हैं खैर ब्रोही खाने के लिए। वहाँ पर थोड़ा सा स्टे भी है और फुल ऑफ फन होगा इंशाल्लाह। तो सारे गाइस बंदे का भी जो है बर्गर लेना है यहाँ से, और हमें एक बंदे का भी पिक करना है। शक्ल देखिए आप इनकी, ये इजरायली प्रोडक्ट खरीदने इनको समझ नहीं आ रही। भाई पाकुला लेके आओ, पाकुला पाकुला लेके आओ फटाफट। पाकुला पार्टनर को लेना है यहाँ से। हेलो, जल्दी आ जाओ, कब से खड़े हैं? तूने देर करता है कराची भाई, ये इतनी देर में निकल के आ रहा है ना ये बंदा। इसी इंसान की वजह से आप इसकी शक्ल देख लें, इस इंसान की वजह से हमें देर हुई है। इसकी शक्ल देख लें, इसी इंसान की वजह से देर हुई है हमें। ये बंदा है ना, इसकी वजह से पूरी लेट हुआ है। मुझसे नहीं हुआ, हमें असर के बाद निकलना था और ये आ रहे हैं जो ऑटो टिके जो है ईशा में, पता नहीं क्या तरीका कर लिया। तो निकल जाओ ना यार, एक प्लान इतना मुश्किल के बनता है, उसने भी इनके रोने खत्म आया। नहीं ये बेच खाई है भाई, क्या तरीका भाई। यार शोर नहीं करो, बिल्कुल गाने चला दो, अब इसकी आवाज नहीं आया भाई। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हाईवे, और अभी हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। डलवा रहे तो मैं 2000 चलवाई। ये तो अभी हम डलवा रहे हैं पेट्रोल, थोड़ा बहुत सामान लेंगे भाई। अभी हम लेने उतरे हैं टक शॉप से सामान, और सामान थोड़ा बहुत ले लें रास्ते के लिए, क्या मैं आसानी हो जाए। अब शेल टक शॉप पहुँच जा रहे हैं अभी हम। क्या ले रहे हो भाई? छोटे बच्चे हो क्या? छोटे बच्चे हो क्या? लंबी इनकी यहाँ पे भी शुरू हो गई, यहाँ पे भी लड़ना शुरू हो गया है भाई। सुबह के लिए नाश्ता लेना है, सुबह के लिए नाश्ता ले लो, नाश्ता लेना है। पापे उसके अलावा ये आदमी की ग्रस मिल जाएंगे यार। ऐसा ना हो कि निकाल दो थोड़ी देर में, जल्दी सामान लो। दूध पकड़ लो यार, ये तो पाकिस्तानी है ना। हाँ दूध भी लेना है, पाकिस्तान की है। हाँ भाई जल्दी जल्दी सामान पकड़ते हैं और फिर जो है यहाँ से निकलते हैं। लेस ले लेते हैं थोड़ी बहुत। क्या लेना है? सारा क्या है वैसे? इसराइली प्रोडक्ट है। इसराइली प्रोडक्ट है ये, देखा है तुम भी तो इसराइली प्रोडक्ट हो। दिखाएं आवाम को, दिखाएं। ये हसन शेख का प्रोडक्ट है भाई। तो थोड़ा बहुत सामान हम ले चुके हैं, और वासे भाई मिल कर आ रहा है। एक मिनट ना, रखो ना यार यहाँ पर। क्या देख रहे हैं कि जो है हम शादी में जा रहे हैं? ये बात तुम इतनी शॉपिंग कर रहे थे, के एफ सी चलते हैं। इतनी शॉपिंग कर ली है, महीने का राशन ले लिया, सबने भर लिया सामान महीने का। ये तो महीने का राशन ले लिया। थोड़ा बहुत सामान लेने आए थे, उतर के थोड़ा बहुत सामान ले लिया। हम उतरे थे शहर के ऊपर और हमने सामान ले लिया, अब हम निकलने लगे हैं वापस से। अब ठीक है जी भाई, तो हमने कहा एक नेक काम भी हो जाए साथ में, हम नमाज़ पढ़ लेंगे और नमाज़ पढ़ के फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। देखें
नेक बच्चे नमाज पढ़ते हैं। जान अब आ चुका है नूरियाबाद और अभी नूरियाबाद में होटल पे रुकने का हो रहा है। चाय वाय पी लें थोड़ा, सर तंगे तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बंदे को रुकना है तो हमने कहा चलो यार चाय वाय पी के जरा इंजॉय कर लें। भाई अभी हम यहाँ रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, चाय शाय पीने और चाय शाय पीने के बाद फिर हम निकलेंगे वहाँ से। जरूरी चीज़ वॉलेट निकाल के। भाई हम यहाँ रुके हैं नूरियाबाद के किसी रेस्टोरेंट पे, ज़रा हमने कहा चाय वाय पी लें। और कुछ यहाँ का ये मौसम है हल्की सी, यहाँ पे ठंड है लेकिन यार मज़ा आ रहा है। और अभी आपको अंदर की भी यहाँ की टक शॉक दिखाते हैं। आ जाए अबे दो जानने लोग नजर आ गए हैं। दही लेने आया हुआ अंडे डबल रोटी, यार ये गलती से दही लेने आया था हमारे साथ, हम इसको हैदराबाद ले आए गलती से। पीनट्स भाई चाय आ चुकी है अभी और चाय मजे की ना भाईजान। ठीक है भाई यार इसकी शक्ल देख लेना आप यार, एक चाय देखते हैं जरा झाग वाली। मेजर बाबा सी है, मेजर बाबा सी है, मेजर बाबा भाई चाय बहुत मजे की है, इतनी मजे की है कि मैं बता नहीं सकता। तो भाई हम हैदराबाद आ चुके हैं और इतनी जल्दी पहुंच गए पता भी नहीं चला, हम 7 बजे शायद 7-8 बजे निकले तो और ऐसे पहुंच गया पता भी नहीं चला। थोड़ी देर हमने ब्रेक भी लिया था रास्ते में और लेकिन यहाँ दोस्तों के साथ पता ही नहीं चला, हमने तो लग रहा है गडा बडा पाया कराची से, पता तो चले कि रास्ता उधर ऐसे उधर गया। हैदराबाद के लिए आए तो अब हम थोड़ा घूमते फिरते हैं हैदराबाद, इन्जॉय करते हैं, देखते हैं क्या है और फिर खाने के लिए बैठेंगे। और ये हमारे हमने सोचा है हम यहाँ जरा चक्कर वक्कर लगा के आए, एक दोस्त को जरा शॉपिंग भी करनी थी, आउटफिटर्स जाना था तो आप ये ना समझिएगा हम KFC जा रहे हैं, हम राइट जाके उधर उधर जाएंगे। यार बड़ा अच्छा तो है वैसे, नॉर्थ वॉक की तरह बना भाई, बड़ा यार नॉर्थ वॉक की तरह लग रहा है। हम अभी आए यहाँ पर आउटफिटर्स और हमारे वासिक भाई को एक जैकेट पसंद आ गई वाली, वासिक पहन के दिखाओ, पहन के तो दिखाओ भाई। आउटफिटर्स आए थे तो इसको एक जैकेट पसंद आ गई और ये ले रहा है जैकेट, वासिक पहन के दिखाओ वही वाली। वही फर वाली ना भाई, अब हम निकलने लगे बाहर। यार यहाँ पे सर्दी जो है अच्छी खासी सर्दी है यार, यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी हो रही है और ये नॉर्थ वॉक जैसी जगह है यहाँ पे, बड़ी अच्छी जगह है, जो भी है जैसी भी है जगह अच्छी है। भाई ये देख के तो लग रहा है अच्छी जगह यार हैदराबाद, रोड देख के नहीं लगा, ये देख के सिर्फ लगा है बस यही अच्छा है। तुम तो बोल रहे हो अच्छा नहीं है। और यहाँ पे भाई आप फुल सीन जोन है, अच्छी जगह है, जगह हमेशा की तरह लग रहे जैसे हो तुम। और यहाँ पे चॉकलेट बंद हो चुके हैं, हम तो बस यहाँ घूमना है वैसे भाई। हम आए मरहबा रेस्टोरेंट में और यहाँ कोई बैंड आया है, भाई हम वहाँ से गए थे और यहाँ से निकल गए, समझ नहीं आया कहाँ से आए, वहीं जाने वापस। भाई ये है मरहबा मार्केट पूरी, मरहबा मार्केट पूरी आती है भाई। अभी हम ढूंढ रहे हैं ATM और हमें ATM नहीं मिल रहा, कैश कराना है, कैश कराना है भाई, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली इनके पास, कैश ख़त्म हो गया। और अभी हम पता कर रहे हैं ATM भाई। तो हम फ्रेश व्रेश हो गए, अब जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ, सही है तरफ। अब रोही भी जाके खाना खाएंगे, फिर बैठेंगे और फिर होटल में जाके थोड़ी देर स्टे करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे आए थे, गपशप लगाई है, मज़े की गपशप लगी यहाँ पे, ये जगह भी अच्छी थी यार, मज़े की जगह थी। और अब हम जा रहे हैं बरोही की तरफ। तो भाई ये देख लें, ये बैठते हुए ऐसे ही लड़ते हैं ये लोग, वैसे गाड़ी निकलने दे, ये बैठते हुए ऐसे ही लड़ते रहते हैं, ये इनका एक ही काम है लड़ना। और अभी हमें तो मज़ा आ गया यार, यहाँ पे अच्छा जगह थी ये, ज़रा
हम यहाँ घूम चुके हैं और अब हम जो है यहाँ से निकलने लगे। एक घंटा टाइम पास, एक घंटा नहीं ज़्यादा ही कर लिया, एक घंटा ही है, एक घंटा टाइम पास करेंगे। ओवरऑल व्यू देख लें आप, मरहबा रेस्टोरेंट्स का यहाँ पे बड़ा अच्छा। बताओ नहीं कि अभी भी लोग बैठे हुए केएफसी के अंदर, चाय लो बस, क्या कर सकते हैं यार, समझते नहीं ना क्या कर सकते। भाई जान तो हमारी मंजिल आ चुकी है, जो आपको दिमाग से नजर आ रहा है ना, जो ही हमने यही आया बस कराची से, कितनी दूर से जगह नहीं मिला, ये सब उसी की पार्टी है, जहाँ पे जगह मिले लगा दे, पीछे जगह दी है। और यहाँ ठंड बहुत मजे की हो रही है, ठंड यहाँ पर कराची में इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ पर है। भाई ये हम रोई आए यहाँ से, भाई कराची से हम आए इसको 3 घंटे सफर करके, हम तो खाली लोग। इनका सेटअप सारा लकड़ियों पे है, यहाँ गैस वैस का कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ लकड़ियों पे सारा सेटअप। लेकिन यहाँ कराची वाला एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत देर ढूंढने के बाद हमें यहाँ जगह मिली है, बहुत देर ढूंढने के बाद, और अब हम यहाँ बैठ रहे हैं, बहुत देर ढूंढने के बाद हमें जगह मिली है और अब हम बैठ चुके हैं। अब जो है बहुत शदीद किस्म की भाई भूख लग रही है, बहुत शदीद किस्म की। अब बस खाना खा के और चेक करते हैं, इतनी दूर से कराची से चल के आए हम यहाँ खाना खाने के लिए, 2-3 घंटे सफ़र करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया दोस्तों के साथ, पता भी नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। और बस अब हम ऑर्डर करने लगे और ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे, तकरीबन ऑर्डर में भी 1-1.5 घंटा तो आराम से लगता है। तो 1 घंटे के बाद हम बैठे थे 12:15 बजे और 1.5 घंटे के बाद 1.25 घंटे के बाद खाना आया। और ये कुछ लड़ाई ऐसी और इन्होंने इतना मंगा लिया, ये हफ्सी भाई तो बैठे हुए हैं, भाई गेम खेलती है यार। इसके बाद दमपुक मंगवा रहे थे भाई साहब। ओहो भाई मामा बेटे को ले आओ, मटर तो यहीं पे आया, सवारी मंगाई है, ये मटर खाना वाला खा लिया और हम अभी तरफ हैं। बहुत ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे, हमने कहा थोड़ा सा यार रिफ्रेशमेंट हो जाए जाते जाते, तो हमने कुछ मीठा लेने के लिए रुक गए और यहाँ से कुछ हम आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं। सबसे बेस्ट कौन सा आपका टेस्ट है जी, क्या होता है भाई? 3 लोग ही खा रहे हैं आइसक्रीम और अभी हम स्पेशल आइसक्रीम खा रहे हैं और टेंथ पर निकलेंगे। भाई जान खा चुका है डहलिया और बस यहीं तक था हमारा ब्लॉग, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं एक और अच्छे एडवेंचर के साथ आपको। तो आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज़।